अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब विद एसआर। आई एम सफर कमल। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो उर्दू के हुर्फ तहजी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो उर्दू के जो हरूफ तहजी, उनका कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि उर्दू का लाइक बे है, इंग्लिश में जो है वो बी उसके लिए आ गया, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि हरूफ तहजी के साथ हे भी लग गया, भ लिखना है तो हमें क्या करना होगा, बी के साथ एच भी लगाना होगा, भ का साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से कुछ लेटर्स हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो पहले आने से साइलेंट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उनके बाद आकर पहले वाले को साइलेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से ये सारा जो है ना, ये साउंड फॉर्मेशन है, और इसी साउंड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड मैं वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। अब जो मैं प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी वो थी एल तक, हरूफ तहजी अल्फाबेट्स के कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगी एम से, कि एम जो है वो उर्दू या हिंदी का जो हरूफ तहजी है वो म का साउंड देता है, जैसा कि मैन शुरू में आ गया, मैन म, मै म। इसी तरह से अगर ये बाद में आता है, लाइक ये सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल एंड पे नहीं आया, एंड से पहले, एंड पे इसके ई है और एंड से पहले ही आया है, तो यहाँ पर कमी नहीं आएगा, यहाँ पर भी ये मीन का साउंड ही देगा, ई के साथ मिलकर भी ये मीन का साउंड ही देगा, कम। इसी तरह से ये देखें, नेम है, नेम ही नहीं आएगा, ये भी सिर्फ मीन का ही साउंड बनेगा, नेम। इसी तरह से अगर एम के बाद बी आ जाता है तो ये बी साइलेंट हो जाएगा, कॉम, थम, लैम, बॉम, ये देखें ऐसे हो जाएगा, ये बॉम, लैम, कॉम, बी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर है एन, एन उर्दू का जो हरूफ़े तहजी में से जो हर्फ है नून, उसका साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि नो शुरू में आ रहा है, नाइस, नेशन, नेचर, नेटिव, न, न का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें यह नहीं है कि उसके साथ वाउल साउंड आ रहा है, या फिर उसके साथ ये देखे वाउल ओ भी है, आई भी है और ए भी है, इससे कोई इसका लिंक नहीं है, ये नून का साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक मसला यहां पर आता है कि अगर एम के बाद एन आ जाए तो ये एन साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर एन एम के बाद आएगा तो ये साइलेंट हो जाएगा, लाइक सॉलमली, कॉलम, ठीक है, उर्दू में भी देखें इसी तरह से होता है कॉलम, एन नहीं आएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पी, पी भी देखें, पी उर्दू का पे का साउंड प्रोड्यूस करता है, प पेन, प पेंसिल, प पॉर, अगर ये बाद में आ गया तब भी ये प का साउंड ही दे रहा है, कैप, स्टार्ट में आ रहा है या एंड में आ रहा है, इसकी साउंड वेरिएशन या चेंजिंग नहीं होगी, सेम ही रहेगी। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में देखिए, एस से पहले पी आ रहा है तो ये साइलेंट हो जाएगा, एन से पहले आ रहा है तो साइलेंट हो जाएगा, ये देखें एस और ये भी एस है, ये साइलेंट हो गया, एन और ये भी एन, ये साइलेंट हो जाएगा। साइकोलॉजी, न्यूमोनिया, साल, न्यूमैटिक, पी यहां पर साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एस या एन आ जाए तो ये साइलेंट कर देते हैं, एस या एन से पहले अगर पी आ जाए, इससे पहले होगा तो ये साइलेंट होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी,
जी कुछ और एग्जांपल्स देखें। क्यों को देखेंगे हम, क्यों में, क्यों उर्दू का जो रूफ़े तहजी है काफ नुक्तों वाला, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम काफ डंडे वाला देखेंगे तो उसके लिए मैंने बताया था कि के का इस्तेमाल होगा। एक और क्यों के बारे में मजे की बात यह है, इंफॉर्मेटिव बात, कि क्यों जो है वो इंग्लिश में हमेशा यू के साथ आता है, अकेला इसका इस्तेमाल नहीं है। तो देखिए एग्जांपल्स, क्यू यू ओ टी ई क्वॉट, क्यू यू आया है, क्विक काइट, क्वेश्चन क्यू क्विट, क्यू काफ का साउंड देता है और ये यू के साथ होता है, कॉट क्विक काइट क्वेश्चन क्यू क्विट। चाहे ये बाद में भी आता है लाइक जैसे हम यहाँ उर्दू या हिंदी में देखें सिद्दीक नाम होगा तो इसके बाद भी क्यू के साथ यू आएगा। इसी तरह से मॉस्क देखें तो इसके बाद भी यू आएगा, बल्कि ई का भी साथ इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आर, आर को देखें तो ये र का साउंड देता है, चाहे ये स्टार्ट में आ जाए, चाहे ये सेंटर में आए, चाहे ये वर्ड के एंड पर हो, ये र का साउंड देता है, र मींस रे का। तो लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये साइलेंट भी हो जाता है, साइलेंट का भी मैं बताऊंगी। यहां पे भी देखिए रे का साउंड जैसे दे रहा है, रोड रन रॉ, ये तो स्टार्ट में आ गए। अगर हम इसको देखें एंड पे सिंगर, अगर यहाँ इसी एग्जांपल में देखें चाहे डबल में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, साथ में एंड पे भी आ रहा है, ये र का साउंड ही देगा। मिरर, ना तो इस पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, ना इसका साउंड मोटा हो रहा है, ना कोई लॉन्ग हो रहा है, ये सिंपल रे का साउंड ही देता रहेगा। स्टार्ट में आया तब भी रोड रन रॉ, कोई ना तो साउंड लॉन्ग में गया है ना शॉर्ट में आया है, और अगर ये एंड पे आया तब भी ये र का साउंड ही दे रहा है, और अगर ये सेंटर में आ गया और डबल आया है तो और एंड पे भी आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल र का साउंड ही देगा। इसी तरह से एक जो नोटिसेबल बात है कि अगर आर से पहले कोई वाउल आ जाता है तो फिर क्या है, ये अपना जो साउंड है वो साइलेंट कर देगा, म्यूट हो जाएगा इसका साउंड, अगर आर से पहले कोई वाउल हो और बाद में कोई कॉन्सनेंट हो तो क्या है, आर अपना साउंड म्यूट कर देता है, ये नहीं पढ़ा जाता, और जो पहले वाला वाउल होगा उसका भी थोड़ा सा लॉन्ग साउंड हो जाएगा, जैसे आम आम, यहां भी आर से पहले वाउल आ गया है, ये देखिए आर से पहले वाउल था, इसी तरह से इस आर से पहले भी वाउल है तो वॉम, ये आर साइलेंट हो जाएगा, वॉम, इस आर से पहले भी वाउल है और बाद में कॉन्सनेंट है तो ये भी नहीं पढ़ा देगा, साइलेंट होगा, फॉर्म। यहां देखें वाउल है और बाद में कॉन्सनेंट है, आर साइलेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, आम वॉर्म फॉर्म स्ट्रॉन्ग, ये है साउंड प्रोडक्शन से रिलेट। अगर हमने स्पेलिंग्स को देखना है तो स्पेलिंग्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगेन देखिए क्यू का मैंने बता दिया है कि ये हमेशा जो है वो क्यू यू के साथ आता है, चाहे ये स्टार्ट में हो चाहे ये एंड पे हो, मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जिसके बगैर भी हो, अगर आपको ऐसे किसी एग्जांपल का पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। इसी तरह से जो ये आर है, चाहे ये स्टार्ट में आए, एंड में आए, सेंटर में आए, डबल आए, ये ना तो कोई प्रेशराइज होता है, ना ये कोई स्ट्रेस में आता है, ना कोई लॉन्ग साउंड में जाता है, बस शॉर्ट सा एक इसका रे साउंड है तो यही ये देता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। इसी तरह से एक केस है आर का कि अगर इसे पहले वाउल हो और बाद में कॉन्सनेंट हो तो ये अपना साउंड म्यूट कर देता है और जो पहले वाला वाउल है उसका साउंड लॉन्ग हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने दे दी है। एक और बात मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगी आपको कि कुछ लोग स्टूडेंट्स
जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, तो ये गलत है। काइंडली इस चीज का खास ख्याल रखें कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से अगर देखा जाए, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है मॉडर्न, लेकिन बहुत ज्यादा 70% लोग हैं वो मॉडर्न बोलते हैं और मॉडर्न ही लिखते हैं, स्पेलिंग ये लिख देते हैं MODREN मॉडर्न, जो कि गलत है। इसी तरह से एक वर्ड है पैटर्न, अब वो पैटर्न की बजाय पैटर्न जब लिखेंगे तो क्या कर देंगे, ये लिख देंगे रन। तो ये बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको चाहिए कि जरा खास ख्याल रखें और इन मिस्टेक्स से अवॉइड करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।